एक भक्त अपने गुरु के उपदेशों का अगर कठोरता से पालन करता है तो उसे भौतिक ऐश्वर्य और अन्य पद भी प्राप्त होते हैं। हालांकि ये उद्देश्य नहीं है गुरु के उपदेशों का पालन करने का, लेकिन ये साइड बेनिफिट्स। भक्त को सफलता प्राप्त करने के लिए योग कर्म ज्ञान की साधना नहीं करनी होती, अकेले भगवत भक्ति से उसे समस्त भौतिक शक्ति प्राप्त हो सकती है, किंतु शुद्ध भक्त कभी भी भौतिक शक्ति के प्रति आसक्त नहीं होता। उसके पास शक्ति होती है लेकिन वो कभी आसक्त नहीं, यद्यपि वह उसे बिना प्रयास के सुगमता से ही प्राप्त होती है। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि भक्त की चरम सिद्धि बैकुंठ के किसी लोक में ईश्वर के चरणों की शरण पाना होता है, और भक्ति के कठोर अनुष्ठान से यदि भक्त चाहता है तो उसे सभी भौतिक ऐश्वर्य प्राप्त हो सकते हैं, अन्यथा ना तो भक्त को ऐश्वर्य की इच्छा है और ना परमेश्वर ही उसे प्रदान करता है। तो अगर वो चाहता है तो भौतिक ऐश्वर्य मिलेंगे, लेकिन भगवान नहीं चाहते कि वो भौतिक ऐश्वर्य प्राप्त करे, क्योंकि भगवान तो उसे आध्यात्मिक जगत लाना चाहते हैं।